भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने मात्र 20 मिनट में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह का जो ये सॉन्ग है जो आज रिलीज हुआ है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, लहे लहे रंगब सलवार, उस गाने ने मात्र 20 मिनट में 3.5 लाख व्यूज हासिल किए हैं। जी हाँ, और 15,000 कमेंट, साथ ही साथ 12,000 लाइक। आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह के इस सॉन्ग के लिए भी उनके फैंस एकजुट हो गए हैं। इस सॉन्ग को भी एक बहुत ही बड़े यूज रिकॉर्ड के लिए, जहां पर पवन सिंह पर आरोप लग रहा था भाई इन्होंने तो अपना पहला होली सॉन्ग एड लगवा कर बढ़वाया है, वहीं पवन सिंह के फैंस तैयार हो गए उनके इस गाने के लिए और लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि पावर स्टार रियल में तो वही है। खैर, हम बात कर लेते हैं उनके इस दूसरे सॉन्ग के बारे में। तो आरोही भारद्वाज पहली बार उनके साथ आवाज़ दे रही हैं, और आपको बता दें डिंपल सिंह के साथ हमेशा पवन सिंह की केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन रहती है। इस केमिस्ट्री का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पवन सिंह के पहले होली सॉन्ग के मुकाबले उनका दूसरा होली सॉन्ग जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सुनने में कमज़ोर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहले होली सॉन्ग के लिरिक्स काफ़ी दमदार थे, उसके मुकाबले दूसरे होली सॉन्ग के लिरिक्स थोड़े कमज़ोर हैं, जबकि लिखने वाले अरुण बिहारी ही दोनों सॉन्ग को हैं। यहाँ तक बात एडिटिंग और पिक्चराइजेशन की है तो एक नंबर है, कमाल की है, क्योंकि यही सारे कुछ और डिम्पल सिंह की केमिस्ट्री ही है जो इस सॉन्ग के कमज़ोर लिरिक्स को भी उजागर नहीं होने दे रही है। वैसे पवन सिंह ने एक बहुत ही अच्छा गाना गाया है जो लोगों को बहुत पसंद भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी कमी, बस थोड़ी सी एक चूक जो रह गई है लिरिक्स को लेकर, जिसे पवन सिंह के तीसरे गाने में बहुत अच्छे से सुधारा जा सकता है। जी हाँ, बहुत जल्द ही पवन सिंह का तीसरा भी होली सॉन्ग आने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, बहुत जल्द ही उनका ये तीसरा सॉन्ग भी आने वाला है, जिसका पोस्टर जल्द ही रिलीज़ भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि पवन और डिम्पल की केमिस्ट्री एज यूजुअल बहुत ही बेहतरीन है। पवन सिंह से रिलेटेड एक और न्यूज़ हम आपको चलते चलते दे देते हैं कि पवन सिंह का वंदे मातरम फिल्म का शूट अब ख़त्म हो चुका है। जौनपुर वाला शूट जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी जानकारी पवन सिंह ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।